हेलो दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं एक सवाल से। सपोज करो आपके पास एक बहुत कीमती चीज़ है और वो गुम गई है एक बड़े से घर में जिसमें 12 कमरे हैं। सवाल ये है, उसे ढूंढेंगे कैसे? अगर आपका जवाब दोस्तों ये है कि हम उसे पूरे घर में ढूंढेंगे, तो उसको मिलने के चांस, मिलने की पॉसिबिलिटी सिर्फ 5% है। इसके बजाय अगर आप ये बोलते हैं कि हम उस पर्टिकुलर कमरे में ढूंढेंगे जिस पर्टिकुलर कमरे में मुझे उम्मीद है कि वहाँ शायद वो गुम हुई हो, तो उसको मिलने के चांस हैं 95%। तो दोस्तों यही फंडा हमारा गिटार पे लागू होता है जब हम कोई सॉन्ग निकालते हैं, क्योंकि गिटार भी 12 कमरों का एक बड़ा सा घर है। अगर पूरे गिटार में आप सॉन्ग को ढूंढने लगोगे तो उसको मिलने के चांस 5% हैं। तो हमेशा याद रखिए, सबसे पहले हमें स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस फॉलो करना है जिससे वो गाना निकलता है, ठीक है? इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप गिटार पर सॉन्ग निकाल सकते हो या किस तरीके से गिटार पर सॉन्ग निकलता है। दोस्तों किसी भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को सीखने वाले लोग 3 लेवल पे होते हैं। पहले बिगनर, जिन्होंने म्यूज़िक की जर्नी अभी अभी स्टार्ट की है, जो म्यूज़िक के बेसिक फंडास को सीख रहे हैं। दूसरे इंटरमीडिएट लेवल्स, जो बेसिक फंडास सीख चुके हैं और अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, इतना लेवल और बढ़ाना चाहते हैं। और तीसरे एडवांस लर्नर्स या एडवांस प्लेयर्स, जो एक्सपेरिमेंट्स करने लगे हैं, उनका लेवल इतना बढ़ चुका है कि अब वो क्रिएट करने लगे हैं चीज़ों को। तो उनकी बात हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल और बिगनर्स की बात करेंगे। दोस्तों बिगनर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वो दूसरों को कॉपी करने के चक्कर में अपना मोराल तोड़ लेता है। मसलन किसी को, जिसको गिटार का प्रैक्टिस करते हुए 3-3, 4-4 साल हो चुके हैं, उनको देखेगा और सोचेगा कि उनकी तरह बनाए सॉन्ग निकाल ले, या जैसे एडवांस काम वो करता है वो कर ले। वो पॉसिबल नहीं होता और वो कई बार तो डिमोरलाइज होकर छोड़ देता चीज़ों को। तो बिगनर्स के लिए जब गाना निकालने की बात आती है ना, तो बिगनर्स के लिए मेरी एडवाइस है, भाई उन चीज़ों पे बिलीव करें जो आपका टीचर आपको सिखाता है, या इंटरनेट से कोई इन्फॉर्मेशन लें। सबसे पहले उन स्केल्स की प्रैक्टिस करें, जितने भी स्केल्स हैं आपके 12 के 12 स्केल्स हैं, मेजर माइनर दोनों वर्जन, उनके अच्छे से प्रैक्टिस करो। इतना होना चाहिए कि आपको गिटार पर बेसिक्स में कोई डाउट ना हो। अब जब आपको सॉन्ग निकालने की इच्छा हो, तो सबसे पहले आप उस सॉन्ग का, जो आपने पर्टिकुलर सॉन्ग का आपने स्केल और नोटेशंस निकालनी है, उसे आप गूगल पे सर्च करें। इसकी सारी नोटेशंस और स्केल जो भी है उसे कॉपी में नोट करें, और उस स्केल की प्रैक्टिस के साथ साथ उस सॉन्ग को प्रैक्टिस भी करें। जब आप 10-12 सॉन्ग्स ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपका लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आप एक लेवल ऊपर अपने आप पहुँचाएँगे। खुद से सॉन्ग निकालें, कोशिश करें, बट वो अभी आपका लेवल नहीं है, इसलिए बेटर ये है कि आप सॉन्ग्स को पहले प्रैक्टिस कीजिए कहीं और से इन्फॉर्मेशन लेकर, बजाय कि खुद निकालने की। दोस्तों अब बात करते हैं इंटरमीडिएट लेवल की। इंटरमीडिएट लेवल्स को म्यूज़िक के बेसिक्स मालूम है, प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, अब वो एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, लेकिन सॉन्ग निकालने में उन्हें भी परेशानियाँ आती है। तो दोस्तों सॉन्ग निकालने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, वो भी पता होना चाहिए। किसी भी सॉन्ग को निकालने के लिए सबसे पहले उसका हमको स्केल पता होना चाहिए। अब स्केल पता करने का तरीका सेम जैसे आप कैशियो में या हारमोनियम में करते हैं, एक एक नोट को आपको प्रेस करके उस सुर के साथ मैच करना होता है। लेकिन गिटार के साथ प्रॉब्लम क्या है कि एक स्ट्रिंग अगर आप प्लग करते हो तो कितनी देर साउंड देती है, वो 1 सेकेंड, 1.5 सेकेंड। कैशियो में आप उसको लंबा टोन करके उसको जल्दी मैच करा के और स्केल पता कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं कर सकते, प्रैक्टिस के बाद ऐसा हो जाता है। अब स्टेप वन है कि आपको उसका ओरिजिनल स्केल पता होना चाहिए। अच्छा, ओरिजिनल नहीं भी पता होता तो यहाँ पर वो कम, जो आपको घर का एग्जांपल दिया था कि भाई आपका कोई कीमती सामान गुम हो गया पूरे 12 कमरों के घर में, तो ये भी तो एक बड़ा सा 12 कमरों का घर है। इसमें हो सकता है आपको डाउट हो के भाई ये इस गाने का स्केल ये नहीं है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और 3-4 में आपको कन्फ्यूज़न है। लेकिन
प्रैक्टिस इतनी तो हो ही चुकी है कि आप ये दो तीन में आपको डाउट है और यहाँ आप उस सॉन्ग को ढूंढ सकते हो। अब आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्केल पकड़ लो, मतलब आपको जिस पे शक है, सपोज़ आपको जी मेजर है या सी मेजर है या ये है वो है, आपको डाउट है, तो आप कोई भी स्केल पकड़ लो, उसके सात नोट आपको पता है। अब आपने क्या करना है, उसका स्टेप वन में आपने स्केल ढूंढ लिया, गलत सही जैसा भी आपने ढूंढ लिया। सेकंड, आपको उसका फर्स्ट नोट ढूंढना है। अब याद रखिएगा कि जो गाने का स्केल है वो उसका फर्स्ट नोट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो उसका फर्स्ट नोट आपने ढूंढना सबसे पहले। अब फर्स्ट नोट सपोज़ करो अगर जी मेजर का सॉन्ग है, सपोज़ आपका फर्स्ट नोट उस गाने का गा है, अब बी सॉरी जी मेजर का गा, तो गा कौन सा नोट हुआ, बी। अब आपने एग्जैक्ट उसी फर्स्ट नोट पे फिंगर रखना है। अब आपका बाकी के नोटेशन यहीं से निकलने वाले हैं क्योंकि आपने फर्स्ट नोट ढूंढ लिया। अब आपने क्या करना है, अब सपोज गा है, गा के इधर कितने सुर हैं, सा और रे, और इधर पा धा मा पा धा नी, चार सुर इधर, तो इसको आप तीन भागों में बांट लीजिए। सा और रे मतलब आपका कोई लो सुर लगा हुआ है तो सा और रे के नोट्स यूज़ कीजिए, आपको लग रहा है मीडियम सा सुर है तो इसमें गा और मा को ट्राई कीजिए, ऊपर का सुर लगा हुआ है बहुत हाई नोट लगा हुआ है तो उस पर नी ट्राई कीजिए, उससे कम लगा हुआ है तो धा ट्राई कीजिए, उससे कम लगा है तो पा ट्राई कीजिए, उससे कम लगा, इस तरीके से आपने एक नोटेशंस तैयार करनी है। आपने क्या करना है, बस वो फर्स्ट नोट पे प्लग कीजिए। अब उससे अगला नोट ढूंढने के लिए उसको फिंगर्स को अगर ऊपर गया तो आगे चलाइए, उससे नीचे गया तो पीछे चलाइए, इस तरीके से आपकी नोटेशंस आपने कॉपी में लिखनी और दिमाग में वो सॉन्ग रहना चाहिए उस वक्त जब आप ये नोटेशंस निकाल रहे हो, जो रहेगा तो वो सॉन्ग्स आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो वो नोटेशंस को आप कॉपी में लिखिए और फिर उसको जब आप दो चार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उसकी टाइमिंग भी बन जाएगी। और एक ऐसे पर्सन को जिसको म्यूज़िक का नॉलेज है या नहीं है, उसे सामने आप बैठाइए और वो सॉन्ग उसको सुनाइए, आप बोलो, अब आप उससे बोलिए कि ये सॉन्ग आप पहचानो कि ये सॉन्ग कौन सा है। अगर वो डिटो सही से सॉन्ग आपने सही से कर लिया है तो वो उसको एक सेकंड में बता देगा कि आपने ये सॉन्ग, हो सकता है आपने स्केल गलत ढूंढा हो, लेकिन अगर नोटेशंस की टाइमिंग आपकी सही है ना तो वो गाना डिटो वैसा सुनाई देगा जैसा है। एग्जांपल के लिए आप, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, कोई भी गाना, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, वोकल से गा रहे हैं ये सॉन्ग, अब आवाज़ से गा रहे हैं तो आपको फ़र्क लगेगा। अगर इस सॉन्ग को मैं इस तरीके से गाता हूँ तो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, अब वोकल में गा रहे हैं तो आपको इसका फ़र्क पता लग रहा है क्योंकि दोनों का अलग अलग स्केल में मैंने गाया। लेकिन जब आप इसको गिटार पे आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, इस सॉन्ग के नोटेशंस निकालने के बाद, स्केल कोई भी हो, अगर आपकी टाइमिंग नोटेशंस की सही है ना, तो सामने वाले को गिटार पर गाना पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, वो गाना सेम वैसा ही निकले। हाँ, हो सकता है कि थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए, बट नोटेशंस की टाइमिंग ज़्यादा मायने रखती है बजाय के ओरिजिनल स्केल के। ओरिजिनल स्केल भी चाहिए बट नोटेशंस की टाइमिंग ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टेप वन हुआ स्केल ढूंढिए, स्टेप टू हुआ फर्स्ट नोट ढूंढिए, और स्टेप थ्री हुआ अगर सर सुर ऊपर गया हुआ है तो ऊपर के नोट ट्राई कीजिए, बीच में रहता है तो बीच के नोट ट्राई कीजिए, नीचे गया हुआ है तो नीचे के नोट ट्राई कीजिए, और इन्हें कॉपी में लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, सॉन्ग्स को हमेशा माइंड में रखिए जब आप निकालते हैं, तो ये इजीली हो जाएगा। और ऑलवेज माइंडेड के प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वुमेन ऑल्सो, प्रैक्टिस कीजिए, बस यही तरीका है, तरीके यही होते हैं। अब आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।